सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टडी टेस्ट टुडे और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेस्ट टुडे में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग साइंस का रेगुलर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। जो फ्रेंड्स नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन, 18 कैरेट में कितना परसेंट शुद्ध सोना पाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड मिलेंगे, तो आंसर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। जितने भी क्वेश्चन हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 18 कैरेट में जो शुद्ध सोना होता है वो 75% होता है, तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए अच्छे से सभी क्वेश्चन को समझते चलिएगा फ्रेंड्स। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है फ्रेंड्स। तो देखिए डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन होता है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, नाइट्रोग्लिसरीन। और देखिए फ्रेंड्स, TNT क्या होता है, इसका फुल नेम देख लीजिए, ट्राई नाइट्रो टॉल्वी, जो विस्फोटक में प्रयोग किए जाते हैं फ्रेंड्स वही सब हैं। और देखिए जो RDX होता है, इसका फुल नेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव होता है। देखिए फ्रेंड्स, वो भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आंसर बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में किया गया था, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, 1972 में फ्रेंड्स, कन्फ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, अच्छे समझिएगा फ्रेंड्स, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा, प्रथम महिला पूछे तो वेलेंटिना तेरेस्कोवा हो जाएगा। अब प्रथम पुरुष पूछेगा, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम पुरुष पूछेगा, यूरी गागरिन हो जाएगा। तो दोनों को अच्छे समझ लीजिएगा, प्रथम पुरुष यूरी गागरिन, प्रथम महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा, तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, अच्छे समझ लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना चांदी कॉपर लोहा में सबसे तन्य कौन होता है, सबसे लचीला कौन सा तत्व है फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सबसे तन्य होता है वो सोना होता है, AU, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंदूर किसे कहते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंदूर किसे कहते हैं, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड, क्या होता है फ्रेंड्स, मर्क्यूरिक सल्फाइड HGS, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, FE मत रासायनिक प्रतीक है। देखिए FE रासायनिक किसका प्रतीक है, FE किसके नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, किसको जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, FE जो होता है लोहा होता है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। और जो टिन होता है, SN होता है इसका, एल्युमिनियम का जानते हैं फ्रेंड्स, AL होता है। और फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडियम का प्रतीक है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे देखने को, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, सोडियम का जो प्रतीक होता है Na होता है, सोडियम का प्रतीक Na होता है, जो SN होता है वो टिन का होता है प्रतीक, अभी बताए थे फ्रेंड्स।
जो यस होता है सल्फर का होता है फ्रेंड्स, देखिए सभी इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझिएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। देखिए फ्रेंड्स अभी ऊपर पढ़े थे वर्ल्ड में, अब देखिए भारतीय महिला, तो देखिए फ्रेंड्स अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला है, तो ऑप्शन हमारा ए से हो जाएगा। देखिए 1997 में वे अंतरिक्ष में गई थी फ्रेंड्स, 1997 सन भी याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था फ्रेंड्स। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, देखिए चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान अपोलो 11, अपोलो 11 है फ्रेंड्स, अपोलो 11 इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए विदेशी मतलब विदेशी भूमि से, देखिए विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत पहला वैज्ञानिक उपग्रह है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए पूछा गया विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह, तो देखिए फ्रेंड्स जो विदेशी भूमि से छोड़ा गया था उपग्रह वो आर्यभट्ट था, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। देखिए 19 अप्रैल 1975 में छोड़ा गया था फ्रेंड्स, कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छे से सन भी याद कर लीजिएगा, 1975 में छोड़ा गया था फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए फ्रेंड्स अगर स्वदेश पूछेगा, अगर अपने देश से पूछेगा, अपने देश से छोड़ा गया प्रथम उपग्रह, तो रोहिणी हो जाएगा, अच्छे से समझिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वदेश भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह जो होगा रोहिणी, जो 1983 में छोड़ा गया था फ्रेंड्स, देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, 1983 में छोड़ा गया था, इम्पॉर्टेंट है, अच्छे समझ लीजिएगा फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स अप्सरा जो है देश का पहला निर्मित उपग्रह है फ्रेंड्स, अप्सरा, देखिए फ्रेंड सॉरी, देखिए अप्सरा जो है देश का पहला रिएक्टर है, रिएक्टर है देश का पहला रिएक्टर अप्सरा हो जाएगा फ्रेंड्स। और देखिए प्रथम स्वदेश निर्मित जो उपग्रह है इनसेट टू ए है, तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स इनसेट टू ए। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए ऑटोमोबाइल बैटरी में H2SO4 का प्रयोग किया जाता है, तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ऑप्शन हमारा डी से हो जाएगा, H2SO4। देखिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आयल ऑफ विथड्रॉल किसे कहते हैं। देखिए आयल ऑफ विथड्रॉल किसे कहते हैं फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट है, तो देखिए आयल ऑफ विथड्रॉल H2SO4 को कहते हैं, तो ऑप्शन हमारा डी से हो जाएगा फ्रेंड्स। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी का रासायनिक नाम है, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिंपल क्वेश्चन है, तो देखिए चांदी का जो रासायनिक नाम होता है, जो उसका सूत्र होता है फ्रेंड्स Ag होता है, तो ऑप्शन हमारा बी से हो जाएगा। और Au जो होता है सोना का होता है फ्रेंड्स गोल्ड, Fe जो होता है लोहा होता है, Pb जो होता है सीसा होता है फ्रेंड्स, तो सबको अच्छे समझ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है, देखिए इम्पोर्टेंट है ये भी, तो देखिए सल्फर के अणु का जो सही सूत्र होता है S8 होता है, तो ऑप्शन हमारा बी से हो जाएगा S8। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, C2H2SO4
देखिए सी टू एच एस ओ एच का जो सूत्र होता है फ्रेंड, किसका सूत्र होता है? तो देखिए जो सूत्र होता है इथाइल एल्कोहल होता है, तो ऑप्शन हमारा ए से हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो, यहाँ पे एफ रहेगा फ्रेंड, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, सॉरी फ्रेंड। तो देखिए डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन बाजार में किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए डाइक्लोरो डाइफ्लोरो तो यह किस नाम से जाना जाता है? फ्रियान 12, तो ऑप्शन हमारा ए से हो जाएगा, फ्रियान 12, तो इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, देखिए क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है, देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है किसका है? तो देखिए फ्रेंड्स यह पारा का है, तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा, पारा। देखिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे भारी धातु है, देखिए इम्पॉर्टेंट है, तो फ्रेंड्स आंसर बताइए सबसे भारी धातु कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स जो सबसे भारी धातु होता है यूरेनियम हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, यूरेनियम। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पीतल तांबा जर्मन सिल्वर में कौन सभी में पाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड जो पीतल तांबा जर्मन सिल्वर में सभी में पाया जाने वाला जो तत्व होता है वो तांबा, देखिए तांबा उन सब में मिलता है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा फ्रेंड्स।